स्पॉन्सर्ड बाय शिव शक्ति हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर आईटीआई मोरचास। जहाँ जहाँ से गुजरा है, कोयला खदान, माइंस, मिनरल, इसके नीचे में पड़ा। हम तो कहेंगे विधायक जी से कि दामोदर को बचाने के लिए सबको तो लगना ही होगा, लेकिन एक चीज का विषय विधानसभा में उठाया जाए, हमने भी इस बात को पार्लियामेंट में उठाया, लेकिन उठाने बैठाने से कुछ नहीं होता है जब तक कि इम्प्लीमेंट। आप अगर देखेंगे तो जहां से नदी चला, दोनों तरफ नदी का इंक्रोच, क्या सीसीएल हो, बीसीसीएल हो, ईसीएल हो, जहां से नदी गुजर रहा है इसका इंक्रोचमेंट। इस इंक्रोचमेंट में नदी का पार्ट भी घट गया, पानी का स्टोरेज भी घट गया उसके हिसाब से, और इसको एक बार अगर इस चीज को क्लियर करवाया जाए तो निश्चित रूप से ये आपका बहुत बड़ा काम है। बीच बीच में आप अगर देखेंगे बाई ओर तो बालू के ऊपर रिजेक्ट वाला कोयला पड़ा, इसमें छठ के टाइम में हम लोग यहाँ छठ करवाते हैं, कमेटी के जो लोग हैं उनसे हम लोग बोल करके, और एक बार दो बार ये काम होता है कि छोटा सा कोई ग्रेडर लगा करके और ये जितना जो कोयला पड़ा हुआ है उसको उठवा करके और कहीं हम लोग बाहर में कम करवा। जब यहाँ पर एनएफ का विधायक थे, हमको पूरा याद है, हमारी बात हुई थी उनसे, ये आप देखिएगा सब स्टेशन के बगल से उन्होंने एक रास्ता बनवाने का काम किया था जो खास थोड़ी में जाकर निकलता है, ये जो इधर का हैवी व्हीकिल है वो बाजार में नींद करके उधर से वहाँ से वहाँ चला गया, लेकिन दुर्भाग्य है तो काम अधूरा रह गया। आप लोग ये 2004 से इस आयोजन को सफल बनाते आए हैं और कहीं ना कहीं आप लोग का एक जागरूक अभियान के तहत जो ये आयोजन है वो कहीं ना कहीं दामोदर को या अन्य नदी को या अन्य पॉल्यूशन से जो निपटने वाली सुविधाएं के तहत हम लोग जागरूकता अभियान चलाते हैं उसमें आप लोग का एक अहम किरदार रहा है, अहम सहयोग रहा है। निश्चित तौर पर जो आयोजनकर्ता लोग हैं सरजू राय जी की देन है, और जब दामोदर की लड़ाई उन्होंने चालू की थी तो शायद बहुत कम लोगों ने ये विश्वास रखा होगा उन पर कि वो दामोदर को स्वच्छ बना पाएंगे। अभी भी पूर्ण रूप से दामोदर स्वच्छ नहीं हुआ है, अभी भी दामोदर में 60% जो है पॉल्यूशन अभी भी, जो उसको घट के कम से कम आमतौर पर कोई भी रिवर का एस्टिमेटेड पॉल्यूशन अगर आप देखें तो 15% या 20% रहना चाहिए, लेकिन दामोदर ही एक ऐसा नदी है जहाँ पर 60% पॉपुलेशन अभी भी कंटेंट है इस दामोदर नदी के अंदर। आदरणीय सरजू राय जी की लगातार प्रयास रही है और उनका लगातार परिश्रम उसमें रहा है कि किसी भी तरह हर साल वो दामोदर बचाओ आंदोलन के तहत, योगांतर भारती के तहत एक प्रोग्राम कराते हैं रांची में, विभिन्न जगहों पे प्रोग्राम कराते हैं, सम्मेलन कराते हैं, और मेरे सामने बहुत सारे चेहरे हैं, दिलीप भाई लोग हैं, प्रमोद भारती जी हैं, जो बराबर उनके प्रोग्राम में जाके उनका सहयोग भी करते हैं। निश्चित तौर पर इस साल मेरे को भी जाने का मौका मिला था, जब उन्होंने न्योता दिया तो मैं भी गया उस प्रोग्राम में। देखिए सबसे बड़ी बात कि ये कोई व्यक्तिगत उपाय हम लोग अपने लिए नहीं कर रहे हैं, पूरे समाज के लिए कर रहे हैं, और स्वच्छता की बात अगर हम करें तो सबसे पहले अपने मन को स्वच्छ करना होगा, क्योंकि कोई भी अभिभावक या कोई भी नेतागण या कोई भी अधिकारी कुछ स्वच्छता की बात करता है तो उसको भी पार्टी पॉलिटिक्स से जोड़ के देखा जा चुका है। तो इससे हम डेरमों को स्वच्छ नहीं बना पाएंगे या दामोदर को सहयोग किया, युवा व्यवसायी ने भी इसका समर्थन दिया, लेकिन सोच ये है कि भैया एक कांग्रेस का विधायक ये काम कर रहा है तो निश्चित तौर पर ये डिसीजन गलत होगा, इस चीज को बदलना होगा। बाटुल जी कुछ करें तो गलत नहीं हो सकते, इसलिए नहीं क्योंकि वो बीजेपी के और मैं कांग्रेस का, रविंदर भैया कुछ करें तो गलत नहीं हो सकते चंद्रप्रकाश चौधरी जी की नजर में, इसलिए नहीं क्योंकि वो बीजेपी के और वो आसू के। सोच आपको देखना होगा कि किस रूप में एक जनप्रतिनिधि किस चीज को लागू कर रहा है। अगर मैं गलत हूं तो निश्चित तौर पर गलत कहिए,
अगर मैं सही हूँ तो आपको सही कहना पड़ेगा, तब जाके हम लोग बेरमो का रूपरेखा बदल पाएंगे या इस दामोदर नदी का रूपरेखा बदल पाएंगे, नहीं तो उससे पहले कुछ नहीं हो पाएगा। तो सच्चाई है, आज हम लोग गंगा दशहरा मना रहे हैं, आज के दिन में गंगा का उपमन हुआ था, बोला गया था कि भैया स्वर्ग से गंगा आई है। हम लोग गौमुख को गंगा का उपमन मानते हैं कि गौमुख से गंगा निकली, गंगोत्री के ऊपर गौमुख है, लेकिन बोला गया कि स्वर्ग से गंगा आई है। मना रहे, एक प्रथा चली आ रही है कि आज के दिन जो गंगा में डुबकी लगाएगा, जो अपने पे गंगा जल छिड़केगा, उसके सब पाप धुल जाएंगे। ये कहने को है क्योंकि पूर्वज हमारे ये सिखा के गए, गंगा हमारी पूजनीय है, गंगा से हम आते हैं, गंगा से हमारा इतिहास जुड़ा हुआ है, गंगा से सनातन धर्म का इतिहास जुड़ा हुआ है। लेकिन पाप तभी धुलेगा जब हम अपने सोच में बदलाव करेंगे, और कोई पाप ऊपर जाके नहीं धुलता है, पाप जो धुलना है वो नीचे ही धुलता है, और पाप से जो याद रखा जाता है वो नीचे ही याद रखा जाता है।